और बड़ी खबर मिल रही है ज्ञानवापी मामले में बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान, बदल दिया जाएगा 1991 वॉरशिप एक्ट, संविधान में संशोधन 104 बार हो चुका है, दिल्ली की सरकार ने 2200 कानून बदले हैं। ज्ञानवापी परिसर मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि 2200 कानून को बदला गया है तो 1991 को भी हटा दिया जाएगा और ये संसद की व्यवस्था है, संविधान संशोधन हम पहले नहीं करेंगे, इससे पहले 104 बार बदला जा चुका है तो 2 से 4 और हो जाएगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने 1991 वर्कशिप एक्ट को समाप्त किए जाने की बात कही है, उनका दावा है कि ज्ञानवापी मामला जल्द सुलझ जाएगा। मनोज तिवारी है पुत्र चंद्रदेव तिवारी, माता ललिता तिवारी, और इतने में आपको मान लिया जाएगा कानून हटा दिए 2200। तो जब इतना हटा दिया गया तो ये तो 91 वाला भी हटा दिया। ये संसद की व्यवस्था है और संविधान संशोधन हम पहला नहीं करेंगे, इसके पहले भी 104 हो चुका है, 2-4 और हो जाएगा। तो सुना आपने यहाँ पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस तरीके से मामला उलझता जा रहा है उसको जल्द अगर सुलझाया जा सकता है तो 1991 का जो एक्ट है उसे बदला जा सकता है, और ये पहली बार नहीं है जब इस एक्ट को बदला जाएगा, इससे पहले भी 104 बार एक्ट को बदला जा चुका है और संविधान संशोधन के तहत ही इसमें बदलाव किया जाएगा। ये बड़ी बात, बड़ा बयान जो है ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से आया है। मनोज तिवारी साफ तौर पर कहा है कि 1991 वर्कशिप एक्ट को समाप्त किए जाने की बात कही है, जो कि बयान भी आपने सुना है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी मामला जो है वो जल्द सुलझ जाएगा। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस पर आरपीएफ के कांस्टेबल ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। कांस्टेबल ने एएसआई को गोली मारी है, इसके अलावा 4 यात्रियों पर भी गोली चलाई है। पुलिस ने आरपीएफ के जवान को हिरासत में ले लिया है। पालघर से दहिसर के बीच सुबह करीब 5:30 बजे फायरिंग की यह घटना हुई है। आरोप के मुताबिक आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में गोलीबारी की है और इसके बाद वो चेन पुलिंग करके दहिसर में उतर गया था, हालांकि बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताते चले कि आज ही दोपहर 3 बजे आरोपी कांस्टेबल को पेश किया जाएगा। बताते ये भी चले कि टीका राम मीणा और कांस्टेबल चेतन सिंह की किसी बात को लेकर बहस हुई थी, बहस के बाद ही चेतन ने टीका राम पर फायरिंग कर दी। टीका राम मूल रूप से सवाई माधोपुर में श्यामपुरा के रहने वाले थे। मरने वालों में 3 मुस्लिम थे जो कि मुहर्रम के लिए जयपुर गए हुए थे। हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है, पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज़ एन आरपीएफ एएसआई, और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अंबेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं, और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुँचा। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का B5 कोच है, इसी कोच के अंदर आरोपी आरपीएफ का जो कांस्टेबल आरोपी चेतन ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, अपने सोफिस्टिकेटेड राइफल के साथ फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 पैसेंजर हैं और एक आरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई है। पूरी बॉगी को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कॉर्डन ऑफ करने के बाद बकायदा यहाँ पे आरपीएफ के लोग खड़े हैं और साफ तौर पर ये देखिए विजुअल साफ तौर में दिखेगा कि फायरिंग किस तरीके से हुई है, यानी कि लगातार फायरिंग हो रही थी। जो गेट है जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट का जो गेट है वहां पर भी गोलियों को निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति बनी होगी जब गोलीबारी शुरू हुई होगी तो जो विक्टिम्स है वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे, दरवाजे की तरफ आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आरोपी ने उनका पीछा कर लगातार उन पर फायरिंग करता रहा और फायरिंग करने के बाद
बकायदा चैन पुलिंग करके वो उतरने की कोशिश कर रहा था। देखिए अंदर बकायदा पुलिस ने पूरी ट्रेन को सीज कर दिया है। अंदर विटनेस जो 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 सबूत हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना हो इसलिए बकायदा पूरी ट्रेन को बंद कर दिया गया है। पूरी ट्रेन जो है इस समय मुंबई सेंट्रल पे खड़ी हुई है क्योंकि जो डेस्टिनेशन था उसका वो मुंबई सेंट्रल था और जितने भी एसी के दरवाजे हैं उन सब पर पुलिस वाले तैनात हैं, सबको बंद कर दिया गया है। अब समझ में आ रहा है कि जो चार लोग की मौत हुई है उसमें तीन पैसेंजर हैं, एक आरपीएफ का एएसआई है। शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि एएसआई और पुलिस कांस्टेबल आरोपी के बीच में झगड़े हुए थे, झगड़ा हाथापाई तक पहुंचा। हाथापाई के बाद गुस्से में आरोपी चेतन जो आरपीएफ का कांस्टेबल है उसने अंधाधुंध फायरिंग की, उसमें एक आरपीएफ के एएसआई की मौत हो चुकी है, तीन पैसेंजर की डेथ हो चुकी है। नोएडा में गुटखा फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है और काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। बताया जा रहा है 4 से 5 फायर टेंडर की जो है वो बदली गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह जो है वो बताई जा रही है। हादसा थाना फेज 1 क्षेत्र के सेक्टर 9 में हुआ। नोएडा की सेक्टर 9 की एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना, जिसके बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आप देखेंगे कि लगातार यहां पर आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान फायरकर्मी और जो लोकल थाने की पुलिस है वो मौजूद है और ऊपर के हिस्से में जो कांच है उसको तोड़ा गया है ताकि जो स्मोक है वो निकल सके प्रॉपर। यहाँ पर 3 से 4 फायर टेंडर्स मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर लगातार इसको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को काबू पाया जा सके। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये गुटखा फैक्ट्री है, यहाँ पर गुटके का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, लिहाजा यहाँ पर आग लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन उसकी जांच की जाएगी और फिलहाल आग बुझाने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा।